काठीपुर में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के पेंगुलिन सांप समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पकड़े गए आरोपी ने बताया कि कुंडेश्वरी पुलिस ने इस दुर्लभ प्रजाति के साथ आधा दर्जन लोगों को पकड़ा था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। बरामद पेंगुलिन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख रुपए कीमत बताई जाती है। काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस ने एक व्यक्ति को दुर्लभ प्रजाति के एक अदद जीवित पेंगुलिन के साथ पकड़कर वन विभाग की टीम को सौंपा है। तस्करी के इस खेल का खुलासा होने के बाद काशीपुर व आसपास के क्षेत्रों में वन तस्कर सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। वन क्षेत्र अधिकारी अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि कुंडेश्वरी के केल मोड़ कुंडेश्वरी मार्ग पर ग्राम खरमासा के पास एक युवक के मोटरसाइकिल से एक कट्टे में पेंगुलिन ले जाने की सूचना पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान रामनगर के ग्राम थारी निवासी रणजीत सिंह के रूप में हुई है। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि ये दुर्लभ प्रजाति का सल्लू सांप है तथा बाजार में काफी कीमत में बेचा जाता है। पकड़े गए अभियुक्त रणजीत ने बताया कि उसके साथ उसके अन्य साथी को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि उसे लालच देकर उन लोगों ने ये कार्य करने को कहा था। जी सर, मेरा नाम रणजीत सिंह है और जो मेरे को इन्होंने फ़ोन करके बुलवाया था, विमल वर्मा ने, और मेरे को जो है इन्होंने ये कहा था कि तुम मतलब मालिक बनना और तू कहना मेरा सामान है, और इन्होंने पैसे ले लिए थे उनसे और मेरे को कह रहे कि ये मालिक है, और सामान इन्होंने दिखा दिया था एक चैट में, और जो है इन्होंने मेरे को फिर गिरफ्तार कर लिया और इनको छोड़ दिया। इनको छोड़ दिया मतलब जो मेरे साथ थे, साथ बन गए। किसने छोड़ा? वो पुलिस वालों ने। कौन सी पुलिस ने छोड़ा? सर जो मतलब जो भी थे, अब पुलिस कहाँ की थी? पुलिस को दूसरी की थी और कोई बाहर की थे। तुम इनके साथ शुरू से थे या उसी? नहीं सर, मैं उसी टाइम आया था। मैं अपने मैं कादल करवा रहा था अपने खेत में, और इसने मेरे को कहा कि चलो 1.5 लाख रुपये ले। मैं यहाँ आके बताया उसने, ये जो है 1.5 लाख रुपये मिल जाएगा, ये पैसे दिखा रहा हूँ तेरे को। ये सांप जो है ये कहाँ देना था आपको? जी सर, सांप की तस्करी कहाँ करनी थी? ये सर इन्होंने आगे सप्लाई कहीं करनी थी, मेरे को नहीं पता इस बात का सर, और जो है बात वो मैं बता रहा हूँ आपको जो भी है। और विमल वर्मा और सन्नी दोनों का नाम मैं जानता हूँ सर, और दूसरे बंदे जो हैं मोहम्मदन बीच में थे चार, और उनका नहीं पता, एक बंदा और था उसका। दोनों कहाँ के रहने वाले हैं? विमल वर्मा सन्नी सर ये काशीपुर के रहने वाले हैं, बाजपुर रोड खाटा। इस काम के लिए कितने पैसे आपको दिए जा रहे थे? सर मेरे को तो वही कह रहे थे 1.5-1.5 लाख रुपये मिल जाएगा। ये मेरी बाइक है, नई बाइक में लाया था घर से अपनी, और दूसरी बाइक जो है जिसमें वो सामान लाए थे वो उनकी वहाँ खड़ी है चौकी के अंदर। वैसे पुलिस चौकी द्वारा हमको सूचना दी गई कि कोई व्यक्ति ये सल्लू सांप लेके कुंडेश्वरी मार्ग पर आ रहा है, तो हम भी मौके पे गए। वहाँ पे जब तो हम गए तो वहाँ पुलिस ने उसको पकड़ के वहाँ हमने उसको फिर अपनी सुपुर्दगी में ले लिया है, और बाकी जाँच अभी चल रही है, हम उसको कोर्ट में पेश। पकड़े गए व्यक्ति का नाम? पकड़े गए व्यक्ति का नाम रंजीत कुमार। सर कितनी कितनी पैसे की लागत होगी मार्केट में इसकी, क्या करते हैं? अब ये तो अभी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब दवाओं में और उसमें काम आने वाला है, अब इसका आकलन अभी तुरंत तो नहीं हो सकता। बाकी मैं बात नहीं, जैसा कि पकड़े गए व्यक्ति का कहना है कि उसके संग और भी लोग शामिल थे। जी बयान तो वो जो व्यक्ति है वो बयान यही दे रहा है कि 2-3 नाम उसने और बताए हैं, बाकी जो हम जो अपनी तहकीकात जब वो होगी उसके बाद हम उसको कार्रवाई। तो माना जाए कि क्षेत्र में इस तरह के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। जी सर, ये तो क्योंकि पकड़ने से तो ऐसा ही पता ठीक होता है कि अब ये तो ये बताया जा रहा है कि ये कहीं और से लेके आया था, इसको पकड़ाया गया है, मगर अब ये जो हम अपनी जांच करेंगे उसमें पूरा उसका निष्कर्ष निकलेगा कि पेंगुलिन कहाँ से पकड़ा था। ये कुंडेश्वरी रोड से पकड़ा है, ये अचार फैक्ट्री के पास। कौन सी कैटेगरी का है ये? ये शेड्यूल वन का प्राणी है, विलुप्त प्रजाति में आता है।